जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज को। मेरठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सरधना का फेमस चर्च, जहां बेनजीर खूबसूरती की मल्लिका बेगम समरू की रूह बसती है। बेगम समरू जो भारत की एकमात्र ईसाई महारानी बनी, यह गिरजाघर कारीगरी का अद्भुत नमूना तो है ही, साथ ही अपने भीतर संजोए हुए है एक ऐसी दिलेर महिला की कहानी जो तवायफ से प्रेमिका बनी, पत्नी बनी, फिर विधवा हुई तो एक सल्तनत की जागीरदार बन गई। यह चर्च उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक है। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना मजहब बदलकर ईसाई बन गई। यही नहीं, उनकी बहादुरी के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। 48 साल तक सरधना सल्तनत पर अपनी हुकूमत चलाने वाली बेगम समरू की दिलचस्प कहानी आइए जानते हैं। बेगम समरू की जिंदगी कई पड़ावों और कई पहलुओं से गुजरी। एक किराए के सैनिक से उनकी मुलाकात उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी, ये शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। सैनिक सोमरे ने न सिर्फ उन्हें शोहरत दिलाई बल्कि उन्हें एक सल्तनत की मल्लिका भी बना दिया, उनके नाम को इतिहास में अमर कर दिया। यही कारण है कि अपने पति की याद में बेगम समरू ने इस खूबसूरत चर्च का निर्माण कराया। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के चावड़ी बाजार से, जो 16-17 के दशक में तवायफों का मोहल्ला हुआ करता था। 1767 में किराए के सैनिक अक्सर मनोरंजन के लिए इस जगह आते थे। इसी दौरान फ्रांस का एक किराए का सैनिक वॉल्टर रेनहॉर्ड सोम्ब्रे लड़ाई के बाद दिल्ली में रुका हुआ था। सोम्ब्रे मुगलों की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उसे पटना का कसाई भी कहा जाता है। एक दिन वॉल्टर सोम्ब्रे भी चावड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर पहुंचा, जहां तबले की थाप पर थिरकती नाजुक कदकाठी की एक खूबसूरत लड़की उसकी नजरों में ऐसी बधी कि वॉल्टर हमेशा के लिए उसी का हो गया। 14 साल और 4.5 फुट की उस खूबसूरत नए नक्श वाली लड़की का नाम था फरजाना। यहीं से फरजाना की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। फरजाना भी वॉल्टर के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। जहां भी वॉल्टर जाता, फरजाना साथ जाती। वह सोम्ब्रे के पार्टनर के रूप में रहने लगी। लखनऊ, रुहेलखंड, भरतपुर और आगरा सहित वह हर जगह सोम्ब्रे के साथ गई और लड़ाई में हिस्सेदारी करती रही। इसी दौरान लोग उन्हें सोम्ब्रे के अपभ्रंश के रूप में समरू बुलाने लगे। इसके बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने वॉल्टर को यूपी के सरधना का जागीरदार बना दिया। शाह आलम द्वितीय ने उन्हें तोहफे में दिल्ली में एक महल बनवा कर दिया था। हालांकि आज यहाँ बैंक है, लेकिन पुरानी इमारत आज भी इतिहास की गवाही देती है। वॉल्टर के साथ फरजाना मेरठ के सरधना आ गई और अब वह बेगम समरू हो चुकी थी। लेकिन 1778 में एक वक्त ऐसा आया जब वॉल्टर की अचानक मौत हो गई। इसी दौरान शाह आलम द्वितीय और तकरीबन 4000 सैनिकों की रजामंदी के बाद बेगम समरू को सरधना का जागीरदार बना दिया गया। पति की मौत के 3 साल बाद फरजाना ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया और जोहाना नोबिलिस सोम्ब्रे बन गई। 1822 में बेगम समरू ने अपने फ्रांसीसी पति की याद में सरधना में विशाल कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कराया था। इटली के कलाकारों ने उस वक्त 2700 सोने की मोहर लेकर पत्थरों पर इस जीवंत मूर्तियों को उकेरा। एक जमाने में सरधना स्टेट का इलाका अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक फैला हुआ करता था। सरधना स्टेट भले ही अपने वैभवशाली इतिहास को संजोए हुए हो, लेकिन आज भी इसकी हालत खराब है। कभी मेरठ जिले का मुख्यालय रहा सरधना स्टेट परगना हुआ करता था। आज यहाँ पहुँचने के लिए घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता था, लेकिन हुक्मरानों की अनदेखी ने इसके इतिहास पर काली स्याही पोत दी।
बिगम समरू को जुमेनिशा के नाम से भी जाना जाता है।